हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सेल की सेकंड क्लास। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड रेट। प्रोडक्ट में हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने पहला प्रोडक्ट ले लिया है, यहाँ पे हमारे पास है फर्नीचर, तो यहाँ पे हम फर्नीचर ले लेंगे। क्वान्टिटी फर्नीचर की ले लेते हैं 12 और रेट ले लेते हैं 3500। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे हम टेबल, टेबल की क्वान्टिटी 10 ले लेते हैं, रेट ले लेते हैं 350। नेक्स्ट ऐसी और भी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन ले लिया, इसकी क्वांटिटी ले ली और इसका रेट ले लिया। नेक्स्ट एक और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेंसिल ले लिया, पेंसिल की भी यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं प्लस यहाँ पे रेट ले लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड एवरेज, कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल के अंदर वो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हम जब भी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो हम इक्वल के साइन से स्टार्ट करते हैं। एडिशन मतलब हमें जोड़ना है, किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हो आप, किसी भी नंबर को जोड़ सकते हो। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या जोड़ना है, क्वांटिटी जोड़नी है पेन की और पेंसिल की। तो यहाँ पे पेन की क्वांटिटी को लूंगी, प्लस का साइन लूंगी, कीबोर्ड पर आप देखोगे प्लस का साइन होता है और यहाँ से आप पेंसिल ले लोगे, पेंसिल पे क्लिक कर दोगे और एंटर प्रेस कर दोगे, तो आप देखोगे पेन और पेंसिल का यहाँ पे एडिशन हो गया, मीन्स एड हो गया ये। नेक्स्ट आता है आपका सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने का मतलब क्या हुआ, आपको माइनस करना है, तो ये भी आप स्टार्ट करोगे इक्वल के साइन से और यहाँ पे मैंने कहा पेंसिल के रेट से, जो भी पेंसिल की क्वांटिटी है उससे माइनस कर देते हैं हम क्या पेन की क्वांटिटी और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आप देखोगे सब्ट्रैक्शन में 33 हो गया। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पेन की क्वांटिटी और इसको मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, स्टार का साइन दे देंगे और इसको पेंसिल से इंटू कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आप देखोगे 540 इंटू करके आ गया। डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल और जिसको जिससे डिवाइड करना, मैंने कहा पेन की जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड करना है किससे, पेंसिल की क्वांटिटी से, तो आप उस नंबर को उससे डिवाइड कर दोगे, तो देखोगे पॉइंट में आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर जो क्वांटिटी वो लिया था वो क्या था, 12 था, 12 को हमने डिवाइड किया 45 से, तो सिंपल सी बात है डेसिमल में वैल्यू आएगी प्लस पॉइंट में आएगी, 0 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन दे देंगे एवरेज का, यहाँ पे आप एवरेज का फंक्शन दे सकते हो, जिस भी नंबर का एवरेज निकालना है तो उस नंबर का क्या दे देगा, वो एवरेज दे देगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दोगे, तो आपको हो गया एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब हुआ कि क्वांटिटी को पूरे को टोटल करेगा और जितने नंबर की रिपीटेशन होगी, मीन्स 4 नंबर की रिपीटेशन है तो 4 से क्या कर दे, डिवाइड कर देगा। तो ये हमारे बेसिक थोड़े से स्टार्टिंग फंक्शन होते हैं, फॉर्मूले टाइप आप कह सकते हो, कि जब भी हम एक्सेल में कोई भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो इक्वल के साइन से करते हैं। अगर आपको इसमें एडिट करना है तो एडिट करने के लिए आप कीबोर्ड से F2 की प्रेस करोगे, जो कि फंक्शन की में होते हैं, ऊपर जितने भी हमारे फंक्शन कीज दिए होते हैं F1 F2 F1 से लेके आपके F12 तक, तो वहाँ से आप F2 प्रेस करोगे, जो भी आपको फंक्शन देना है यहाँ पे F2 करके आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, प्लस एक यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे फॉर्मूला बार, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फॉर्मूला बार का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब इस पे हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देनी है, जैसे मैंने कलर वगैरह किया है, कलर वगैरह करना है, तो अगर इसके ऊपर एक रॉ लेना है तो कंट्रोल के साथ प्लस की प्रेस करोगे, तो यहाँ पे देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इंसर्ट का, तो हमें क्या चाहिए, रॉ चाहिए, कॉलम चाहिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रॉ क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स क्या होते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे एक रॉ चाहिए, तो एक रॉ ले लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो आप देखोगे एक रॉ हो गया। अब यहाँ पे मैंने बनाया जैसे कि प्रोडक्ट है, तो मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया यहाँ पे, आइटम स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ पे आइटम स्टेटमेंट लिख दूंगी। जैसे आप आइटम स्टेटमेंट लिखोगे, इसको आपको सेंटर में लेके आना है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी सीख लेते हैं, तो इसको बीच में लेके आना है, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड सेंटर, इस पर आप क्लिक करोगे तो बीच में आ जाएगा। बैकग्राउंड में इसके कलर करना है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड में कलर कर सकते हो, फॉन्ट में कलर करना हो तो यहाँ से फॉन्ट में कलर कर सकते हो, बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसको सिलेक्ट करोगे आप और यहाँ पे देखोगे ऑल बॉर्डर्स दिखेगा, तो यहाँ ऑल बॉर्डर्स करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना यहीं पे फिनिश करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मोर टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए और एक्सेल्स की प्रॉपर वीडियो देखने के लिए।